हेलो गाइज, वेलकम बैक, सुनील ऑटो कार। सो आज आप सभी के सामने पेश है किया सोनेट, एंड अभी आप लोग देख रहे हैं सोनेट के सबसे लोअर बेस मॉडल HT इको। तो आज इसी को डिटेल में कवर करेंगे और बात करेंगे इस गाड़ी की सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करें अगर इसकी प्राइसिंग से, तो 7,80,000 से इसका एक्स रूम बेस मॉडल स्टार्ट होगा एंड टॉप मॉडल भी जाएगा 18 लाख के आसपास तक। इंजन स्पैक आपको उसमें डीजल पेट्रोल दोनों यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट फीचर एकदम मस्कुलर समय पर रहेगा, किया की ब्रांडिंग देख सकते हैं, पूरे ब्लैकआउट रहेगी इसकी फ्रंट ग्रिल। साइड प्रोफाइल से देख लीजिए इस बेस वेरिएंट को, भाई साहब कहीं से लग रहा है कि बेस मॉडल देख रहे हैं, अंदर से थोड़ा फील आएगा, बाहर से आप भाई साहब जज कर ही नहीं सकते कि इसका बेस वेरिएंट है। एंड वेरिएंट से यहाँ पे मिलेंगे आपको इसमें इसका बेस HTE, HTK, HTK प्लस, HTX, HTX प्लस, GTX प्लस, X-Line जैसे आपको उसमें काफ़ी सारे वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते इसके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। ये देख लीजिए इसका पूरा फ्रंट फेशियर, ऊपर की तरफ यहाँ पे किया की ब्रांडिंग यानी कि किया को लोगो दिया गया पूरा शर्ट एंड फिनिश में, पूरी ब्लैकआउट यहाँ पे इसकी फ्रंट ग्रिल देखने को मिल जाएगी। हेडलैम्प्स वगैरह आपको नॉर्मल वही हैलोजन बेस यहाँ पे दिए गए, कोई भी DRLs वगैरह नहीं रहेंगे इस फ्रंट के साथ। नीचे यहाँ पे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट, और ये यहाँ पे रहेगी इसकी पार्किंग लाइट वही हैलोजन बल्ब वाली। टोइंग हुक का ऑप्शन, लोअर ग्रिल वगैरह भी पूरी ब्लैकआउट यहाँ पे रहेगी। एंड भाई साहब ये चीज़ देखिए, स्किड प्लेट आपको स्टैंडर्ड मिलेगी बेसिक मॉडल से इस कार में, प्रॉपर नीचे इंजन गार्ड वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस इस कार में आपको मिलने वाला है 205 mm का बेहतरीन सा। तो ये हो गया इसका पूरा फ्रंट फेशियर। अब आते आगे की तरफ, यहाँ पे इसका डुअल वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट। और अब इसके बाद जब आते हैं साइड में, ये रहने वाली गाड़ी की बेहतरीन सी पूरी साइड प्रोफाइल। डायमेंशन की बात करें तो आपको उसमें भी 3995 mm की इस गाड़ी के यहाँ पे लंबाई यानी कि लेंथ, 1790 mm की यहाँ पे इसकी विथ एंड 1642 mm की इस कार की यहाँ पे हाइट देखने को मिल जाती है। एंड व्हील बेस वही इस सेगमेंट के हिसाब से आपको मिलेगा 2500 mm का इस किया सोनेट के साथ। बाकी इस बेस रेंज में देखेंगे ना तो ये भाई साहब 15 inches के नॉर्मल से स्टीलियम आपको दिए जा रहे हैं व्हील कवर के साथ ही साथ। किया का लोगो यहाँ पे रहने वाला है, आगे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, टायर प्रोफाइल 195/65 R15 inches के यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इतना कुछ यहाँ पे ट्रैवल, ब्लैक कलर के देखेंगे फेंडर पे क्लाइडिंग एंड इंडिकेटर्स वगैरह आपको इस फ्रेंड में वही फेंडर पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये भाई साहब हो गया, बाकी इसके साथ व्हील कवर्स आपको मिल ही जा रहा है, इस तरह कुछ मैनुअल आपको फिजिकल की यहाँ पे मिलेगी इस फ्रेंड के साथ। सेम बॉडी कलर इसके इलेक्ट्रिक वेजिटेबल आउटसाइड मिरर्स यहाँ पे देख सकते हैं। और आगे की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो इसके हैंडल्स वगैरह सेम बॉडी कलर आपको ऑफर किए जाएंगे। सबसे पहले इसकी डोर खोल के आपको दिखाते हैं। ये भाई साहब इसका बेस मॉडल का पूरा डैशबोर्ड पूरा ब्लैक कलर का, यहाँ पे सिर्फ आपको कोई भी ऑडियो सिस्टम वगैरह नहीं मिलेगा, अदरवाइज भाई साहब बेहतरीन से लग रहा है इसका डैशबोर्ड पूरा देखने में। अभी बैठ के आपको दिखाएंगे प्रॉपर डिटेल में। ये बी पिलर्स वगैरह भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है इस कार में। एंड ये रहने वाली गाड़ी की बेहतरीन सी पूरी साइड प्रोफाइल। इस गाड़ी का सीधा सा कंपटीशन टाटा नेक्सॉन, ह्यूंडई वेन्यू, मारुति ब्रेज़ा जैसी गाड़ियों के साथ होता है, लेकिन इसका भी भाई साहब क्या है कहना, काफ़ी सारे स्टैंडर्ड फीचर्स एंड बेहतरीन से लुक्स मिलेंगे इस कार में। हालांकि बेस मॉडल है तो आपको उतने फीचर्स नहीं मिलेंगे, टॉप में आपको एडास 360 कैमरा एंड और काफ़ी सारे फीचर्स रहेंगे इस कार के साथ। ये रहने वाली इसकी प्रॉपर पूरी बैक प्रोफाइल, यहाँ पे भाई साहब क्या है ना, इस फेसलिफ्ट में पूरा कनेक्टेड आपको बैकलाइट्स मिलेगी, हालांकि इस बेस फ्रंट में आपको चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो ऑन करके अगर आपको इसके बैकलाइट्स यहाँ पे दिखाए ना, तो ये भाई साहब इसकी पार्किंग लाइट यहाँ पे कर दिया ऑन। अभी देखिए इस तरह कुछ भी मिलेगा, ये वाला पार्ट पूरा ऑन नहीं होगा, अपर वेरिएंट्स में पूरा ऑन होता है कनेक्टेड वाला। सेंटर में यहाँ पे देखेंगे किया की बैजिंग दी गई है शर्ट एंड फिनिश में, और इस बेस मॉडल में सिर्फ इतनी यहाँ पे इसके टेल लैंप्स ऑन होंगे, पूरा कनेक्टेड वाला ऑन नहीं होता है। कोई भी रियर वाइपर डिफॉगर नहीं मिलेगा इस वेरियंट के साथ। ऊपर जाएंगे हाई माउंट स्टॉप लैम्प, पावर एंटीना, प्लेन रूफ। नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे सोनेट की बैजिंग देखने को मिलेगी लेफ्ट साइड में, डुअल टोन में इसका बम्पर, रिफ्लेक्टर्स वगैरह भी देख सकते हैं, दो रहेंगे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। स्किड प्लेट स्टैंडर्ड आपको मिल जाएगी बेसिक मॉडल से, यहाँ पे देखेंगे रिवर्स लाइट, नीचे का पूरा रियर सस्पेंशन सेटअप इस कार का। सो ये सब आपने देख लिया, अब बचा हुआ इसका बॉडी स्पेस, आइए चेक करते हैं भाई साहब, खोलते हैं इसके यहाँ पे टेलगेट को। तो इस कार में आपको मिलने वाला 392 liter का बड़े सा बॉडी स्पेस इस कार के साथ। अगेन बेस मॉडल है तो यहाँ पे भाई साहब क्या है ना, ये चीज़ देखेंगे कोई भी आपको पार्सल ट्रे देखने को नहीं मिलेगी। नीचे अपना पूरा सामान, ट्रॉली बैग, झोले वगैरह आराम से रख दीजिए। एंड नीचे यहाँ पे इसका स्प्रे व्हील यानी कि स्टेपनी वाला टायर नॉर्मल सा दिया गया है, 15 inches का स्टीलियम रहेगा, सेम साइज का आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे जैक टूल पाना वगैरह, साइड में हुक वगैरह देख सकते हैं, तो कुछ भी अपनी पन्नी थैली टांग लीजिए आराम से। सीट पूरी आपको 100% फोल्डेबल मिलती है इस कार में। तो ये आपने देखा इसका बॉडी स्पेस, चलिए इसको करते बंद, फिर चलेंगे कार के अंदर। लेकिन उससे पहले बात करें अगर इसके कलर ऑप्शन के बारे में, तो व्हाइट कलर में अभी आप इसको देख रहे हैं, व्हाइट, रेड, सिल्वर, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन जैसे आपको इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं इस किया सोनेट के साथ। टॉप में जाएंगे तो एडास, 360 कैमरा और भी काफ़ी सारे फीचर्स, वायरलेस चार्जिंग वाले पैड जैसे काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी उस कार में। एंड वारंटी वगैरह इस कार के साथ आपको मिलने वाली 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की, जिसको चाहें तो आगे भी आप फर्दर एक्सटेंड करा सकते हैं। और इसके बाद जब पीछे की तरफ यहाँ पे देखेंगे फ्यूल फिलर कैप, जहाँ से आप इसमें डलवाएंगे डीजल, तो ये भाई साहब डीजल वाला नाजुल यहाँ पर रहेगा, 45 liter फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी। ब्लू वाला देख रहे हैं तो इसमें पड़ेगा एड ब्लू, पेट्रोल वेंट में जाएंगे तो एड ब्लू वाला कोई भी यहाँ पे झंझट आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए इसको यहाँ पे कर देते हैं बंद।
पीछे आपको इसमें ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, आगे डिस्क ब्रेक्स रहेंगे इस कार में, तो व्हील कवर भी आपको बेहतरीन से मिल जा रहा है। ये देखेंगे ब्लैक कलर की पूरी क्लैडिंग। अब आइए चलते हैं इसके सेकंड वाली रो पे बैठ के देखते हैं इसका स्पेस वगैरह। डोर खोलेंगे पूरी ब्लैक कलर की, यहाँ पे डोर ट्रिम, डोर ओपनर पूरा सिल्वर फिनिश में यहाँ पे देखने को मिलता है। ये भाई साहब अप डाउन करने वाला मैनुअली मिलेगा, नीचे बॉटल होल्डर वगैरह लगा सकते हैं इनकी डोर में। सीट्स का पूरा लेआउट फैब्रिक की सारी सीट्स। चलिए बैठते कार के अंदर। सो भाई सभी आ चुका है बेस मॉडल के अंदर, ये देख लीजिए आगे भाई साहब डैशबोर्ड में क्या आपको टच स्क्रीन कोई भी ऑडियो सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। बाकी फ्रंट वाले दोनों आपको मिलेंगे यहाँ पे पैरोनोस के कंट्रोल्स। रियर में आपने देखा ना, ये आपको चक्री मिलेगी जिससे आप डाउन करना पड़ेगा अपने ग्लास को। एंड इसी के साथ भाई साहब आपको बेसिक मॉडल से यहाँ पे देखेंगे रियर रिसीवेंट्स वगैरह पे ऑफर की जाएंगे, जिसके सराउंडिंग पे देखते पूरी सिल्वर फिनिश। नीचे जाएंगे तो दो दो टाइप सी यूएसबी के पोर्ट्स, ये भाई साहब वेन्यू वाला पे काम किया गया जिससे उसमें दोनों टाइप सी यूएसबी के पोर्ट्स आते हैं उसी तरह पे दिए गए। एक टाइप पे कर दे तो भाई साहब प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा बेटर हो जाए। फोन वगैरह यहाँ पे आप लगा सकते हैं अपना, इतना कुछ यहाँ पे स्पेस रहेगा। बाकी हाँ एकदम हल्का सा रहता है। स्पेस की बात करें ना तो अभी देखिए मैं यहाँ पे बैठे हुए ना एकदम बड़े से लेग रूम रूम मिलने वाला है, जिस हिसाब से इसका व्हील बेस है 2500 मिलीमीटर का। ये वाली सीट हालांकि थोड़ा सा आगे है, तो इसका जुगाड़ क्या इधर से आपको बैठ के दिखाते हैं। ड्राइवर साइड वाली पूरी सीट है एडजस्ट, आप देखिए है ना लेग रूम रूम एकदम बेहतरीन सा साइज पोड़ है, हालांकि एवरेज से आपको मिलेगा इस सेगमेंट के हिसाब से। तो ये देखे ना एकदम दो बंदे भाई साहब एकदम कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे इस कार में। इधर का देख लिया, आगे का डैशबोर्ड देख लिया, 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड यहाँ पे मिल जाते हैं। ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो इसका ग्रैप हैंडल छोटा सा यहाँ पे दिया गया, इसका एक क्वार्टर ग्लास। पीछे पार्सल ट्रे वगैरह आपको नहीं मिलेगी, बाद में चाहे तो एज एक्सेसरीज आप इसको ले सकते हैं। हेडरेस्ट वगैरह देखेंगे ये सब आपको फिक्स मिलने वाले, 3 पॉइंट्स आपको मिलेंगे सीट बेल्ट के। सीट पूरी फोल्डेबल होगी, इसको किस तरह कुछ प्रेस करके यानी ऊपर खींच के पूरी सीट को यहाँ पे फोल्ड कर सकते हैं। एंड थाई सपोर्ट वगैरह आपको एवरेज सा मिलने वाला सेगमेंट के हिसाब से। तो बढ़िया सा ना, दो बंदे आराम से बैठेंगे, थर्ड पर्सन भी यहाँ पे एडजस्ट किया जा सकता है इस कार में। बेस मॉडल है भाई साहब 8 लाख एक्स रूम 9 लाख के आसपास मान के चली जाएगी। ऑन रोड इसका पेट्रोल वेरिएंट, हालांकि डीजल भाई साहब थोड़ा ऊपर जाने वाला है। तो आइए हम निकलते हैं गाड़ी के बाहर, फिर चलेंगे ड्राइवर साइड की तरफ। और डोर्स वगैरह आपने सब इसकी देख ली, चलिए इसको यहाँ पे करेंगे बंद। अब आते हैं अपने ड्राइवर साइड की तरफ। तो यहाँ पे हैंडल आपको बेसिक मॉडल सारे मिलते हैं सेम यहाँ पे बॉडी कलर। एंड चाबी भाई साहब आपको मैंने दिखाई थी इस तरह कुछ मैनुअल की यहाँ पे मिलेगी। अब देखते हैं भाई साहब मैनुअल सेंटर लॉकिंग है कि नहीं है इसमें। तो गाड़ी हो गई अभी हमारी यहाँ पे लॉक, ये भी हो गई लॉक। अब इसको करते हैं अनलॉक, अनलॉक चेक करके चेक करते हैं भाई। ये खुल गई ना, इधर का देखते हैं ये भी खुल गई। चलो भाई साहब ये गलीमत है कि आपको यहाँ पे मैनुअल सेंटर लॉकिंग देखने को मिल जाएगी। अब खोलते हैं इसकी डोर को। डोर वगैरह ऑल ब्लैक यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है इस कार में। बाकी डैशबोर्ड भी सेम उसी तरह यहाँ पे रहता है, जो देखने में भाई साहब बेहतरीन सा लग रहा है ना। यहाँ पे टच स्क्रीन नहीं लगी तब भी देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है इसका डैशबोर्ड। सीट्स वगैरह सारी यहाँ पे फैब्रिक की मिलने वाली है, लेकिन भाई साहब उससे पहले डोर यहाँ पर रह गई थी ना, ये देखिए डोर ओपनर पूरा यहाँ पे आपको दिया गया है सिल्वर फिनिश में। यहाँ पे जाएंगे तो फ्रंट वाले दोनों रहेंगे पैरोनोस के कंट्रोल्स, यहाँ पे वॉल्यूम एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स। तो भाई साहब इलेक्ट्रिक वेरिएबल आपको देखने को मिल जाएगा बेसिक मॉडल से इसके आउटसाइड मिरर्स। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बॉटल वगैरह लगा सकते हैं, अम्ब्रेला होल्डर भी आपको दिएगा, स्पीकर्स वगैरह आपको बाद में इंस्टॉल करने पड़ेंगे इस कार में। एंड सीट्स में देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये सीट रिक्लाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, हाइट एडजस्टमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा स्पेस वेरिएंट के साथ। नीचे इसका फ्यूल लीड ओपनर, मैनुअल ट्रांसमिशन के देखेंगे, ABC पैडल साइड में रहेगा, वहाँ पे इसका डेक पैडल, आगे का बोनट खोलने का लीवर दिया गया यहाँ पे। एंड बेसिक मॉडल से आपको देखेंगे यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडियल स्टार्ट वाला बटन, हेडलाइट रजिस्टर वाले काफी सारे पे स्विचेस देखने को मिल जाएंगे। तो आइए अब लगाते इसकी चाबी को, फिर बैठते कार के अंदर, देखते इसका यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं यहाँ पे कार के अंदर, ये देखिए भाई साहब मतलब जो प्रीमियमनेस है ना भाई साहब, ये चीज़ फील होती है कि यहाँ की किसी भी गाड़ी में जो इंटीरियर काफ़ी प्यारा सा आपको मिलता है इनकी सभी कार्स का। तो अभी बेस मॉडल में बैठे हुए, लेकिन भाई साहब स्टीयरिंग व्हील वगैरह देख रहे हैं ना कितनी बेहतरीन सी मिल रही है। सो स्टीयरिंग व्हील से अगर स्टार्ट करें सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हो गया किया का लोगो, इस साइड जाएंगे तो MID के सारे कंट्रोल्स, बेहतरीन सा पूरा स्टीयरिंग व्हील जिसमें आपको सिल्वर फिनिश भी देखने को मिल जाएगी। एडजस्टमेंट की अगर इसके बात कर लें, ये आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टेबल देखने को मिल जाती है इसकी स्टीयरिंग। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो मैनुअल हेडलैम्प्स के यहाँ पे दिए गए इसके कंट्रोल्स, इधर जाएंगे तो वाइपर्स के कंट्रोल्स एंड डिजिटल पूरा क्लस्टर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिससे पहले वाली में आता था ना सेम उसी तरह आपको दिया गया फेसलिफ्ट, यानी कि पहले वाला। तो इस साइड यहाँ पे RPM मीटर मिलेगा, इधर जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर वाले बार्स ऊपर की तरफ, यहाँ पे फ्यूल गेज वाले बार्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। बीच में इसके MID स्क्रीन मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन देखनी हो ये यहाँ पर है ना, इसको प्रेस करते जाइए, देखिए ड्राइव इन्फो वगैरह, TPMS भी आपको मिल जाएगा बेसिक मॉडल से, लाइट्स, डोर, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर्स, लैंग्वेज रीसेट, ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं। क्या कुछ आपने गाड़ी चलाई ना, माइलेज से लेकर सारी इन्फॉर्मेशन, TPMS, ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी।
तो ये हो गया ना इसका पूरा स्टीयरिंग व्हील वगैरह। अब भाई साहब आते हैं इसके डैशबोर्ड की तरफ। ये सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये भाई साहब पूरा प्लेन सा दे दिया गया ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बड़े से अपने हिसाब से टच स्क्रीन लगवा लीजिए या टूडिन वाला ऑडियो सिस्टम जो भी आपका बजट करे अलाउ, उसके साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह भी लगवा लीजिए। तो भाई साहब एकदम बिंदास हो जाएगा पूरा ये डैशबोर्ड का इसका व्यू। तो ये थोड़ा यहाँ पे खाली खाली साहब को लग रहा होगा, बड़ गली मत ये है ना, कुछ कंपनी का करते इसको पूरा काट के खाली छोड़ देते हैं तो देखने में बेकार लगता है। इसको भाई साहब पूरा फ्लैट रखा है, टच स्क्रीन नहीं लगी तब भी देखने में काफी अच्छा लग रहा है इसका डैशबोर्ड। नीचे आते हैं तो यहाँ पे हेडलाइट का स्विच एंड यहाँ से फैन स्पीड वगैरह अपने एसी की कम ज्यादा कर सकते हैं, ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। बाकी ये हो गए इसके एसी वेंट्स, यहाँ पे भी देख रहे ना पूरा सिल्वर फिनिश आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये बेहतरीन से लग रहा है, यहाँ से आपको कोई भी बेस मॉडल का फील नहीं आएगा एसी वेंट्स देखने के बाद। एंड इसके बाद यहाँ से अपना फ्लो वगैरह एडजस्ट कर लीजिए, ऐसे टेम्परेचर वगैरह सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पे टाइप सी दिया गया यूएसबी का पोर्ट्स एंड इसी के साथ ये रहेगा 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट। चलिए इसको यहाँ पे कर देते हैं बंद एंड यहाँ पे हमारा रखने का बेहतरीन सा स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ये पूरा रहेगा पे सिल्वर फिनिश, मतलब कुछ कंपनी क्या करती है ना बेस मॉडल में ये सब आपको नहीं देती, जो आपको इसमें मिल रहा है ये हो गया बाकी टीपीएमएस वगैरह जो आपको इसमें मिल जाएगा स्टैंडर्ड। 6 स्पीड आप इसका देख रहे हैं पे मैनुअल ट्रांसमिशन एंड इसी के साथ चाहे तो बढ़िया सा ऑटोमेटिक में भी जा सकते हैं। हालांकि डीजल वेरिएंट में अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, दो ग्लास होल्डर्स यहाँ पे रहने वाले हैं जहाँ पे अपना बढ़िया सा ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख के एंजॉय करिए। ये हो गए इसके यहाँ पे हैंड ब्रेक, आर्मिश भी भाई साहब मिल जा रहा बेसिक मॉडल से। ये देखिए इसमें भी रहेगा स्टोरेज स्पेस, कुछ भी अपना छोटा मोटा सामान यहाँ पे रख लीजिए। इधर देखेंगे डोल ट्रिम ऑल ब्लैक रहेगी, एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं 6, एक वहाँ पे होगा दूसरा यहाँ पे होगा, पिलर्स पे देखेंगे तो एयरबैग्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। तो सेफ्टी फीचर्स भी आपको बेहतरीन से मिलने वाले हैं इस कार में। एंड ग्लव बॉक्स की अगर बात कर ले ये रहने वाला है इस तरह को, जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं, नॉर्मल सा रहेगा कोई कोल्ड वगैरह नहीं मिलेगा इस वेरिएंट के साथ। तो ये आपने देख लिया ना, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे मैनुअली एडजस्टेबल देखेंगे इसका यहाँ पे IRVM, ये भाई साहब बेस वेरिएंट की वजह से यहाँ पे पूरा खाली है, कुछ भी आपको नहीं दिया जाएगा। इस तरफ जाएंगे तो इसका रहेगा सनवाइजर प्लेन सा, को पसंद साइड अभी आपको प्लेन ही सा मिलेगा, यहाँ पे भी कोई भी आपको टिकट होल्डर या वैनिटी मिरर देखने को नहीं मिलता है। तो यही था यहाँ पे किया सोनेट का बेहतरीन से अंदर का पूरा डैशबोर्ड। हालांकि बेस वेरिएंट है तो आपको यहाँ पे दो चीज़ें करवानी जो कंपलसरी है, एक तो हो गया भैया यहाँ पे ऑडियो सिस्टम यानी कि टच स्क्रीन, दूसरा रिमोट सेंसर लॉकिंग की। उसके बाद गाड़ी एकदम बेहतरीन से तैयार है रेडी टू ड्राइव यानी कि चलाने के लिए। आपको कैसा लगा इसके बेस मॉडल का अंदर का पूरा डैशबोर्ड आप मुझे बताएगा कॉमेंट सेक्शन में। चलिए अब निकलते गाड़ी के बाहर, फिर बात करते हैं इसके इंजन स्पेक प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। तो ये सब आपने देख लिया, आप सबसे पहले इसकी डोर को यहाँ पे करते हैं बंद। एंड इंजन स्पेक की बात की जाए तो ये आप इसका देख रहे हैं यहाँ पे 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको 114 bhp की पावर 250 Nm का टॉर्क मिल जाएगा, समथिंग विद 20 km का माइलेज इस कार के साथ। एंड इसके अलावा आपको उसमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें आपको 82 bhp की पावर 115 Nm का टॉर्क मिलेगा, समथिंग विद 1819 km का माइलेज इस कार के साथ। और अब इसी के साथ बात करें अगर इसकी प्राइसिंग के बारे में, जब उसका बेस मॉडल देख रहे हैं HTE डीजल वेरिएंट, तो ये आपको पड़ने वाला है 9,95,000 एक्स रूम एंड 11,28,000 जाएगा ऑन रोड लखनऊ। यहीं पर अगर आप इसका पेट्रोल लेंगे बेस वेरिएंट तो आपको पड़ेगा 7,80,000 एक्स रूम, 9,00,000 के आसपास जाएगा ऑन रोड। सेफ्टी फीचर्स में आपको इस कार में ABS विद EBD, 6 एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड डेलर सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, ट्रैक्शन, TPMS, ESP, ये काफी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं इस कार के साथ। सो यही था आज का मेरा वीडियो इस किया सोनेट के बेस मॉडल पे। इसके अलावा अगर आपको दूसरे वेरिएंट का वीडियो देखना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। एंड स्पेशल थैंक्स किया बालाजी तेलीबाग रोड लखनऊ जिन्होंने वीडियो बनाने का मौका दिया, इनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो अगर आज का हमारा पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं सुनील फिर मिलता हूं आपको किसी बेहतरीन सी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।